हाँ जी राजे, अपन ने कैलकुलस का लिमिट एंड कंटिन्यूटी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ सी। लिमिट दे विचों अपन ने लिमिट की डेफिनेशन, लिमिट दे बाय यूजिंग डेफिनेशन दे क्वेश्चन आंसर कर ले सी, प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया सी। उस तो बाद लिमिट दी प्रॉपर्टीज हो गई सी, अलजबरा ऑफ लिमिट्स हो गया सी। अज अपने को टॉपिक है सीक्वेंस प्रिंसीपल का। सीक्वेंस प्रिंसीपल दे विच अपने को फंक्शन किदां दे दिते हुए ने कि जिहड़ा जी फंक्शन आ उहदी नेबरहुड दे विच किहड़े किहड़े फंक्शन ने एफ एंड एच। उहदी लोअर लैफ्ट नेबरहुड दे विच फंक्शन है एफ, जी दी राइट नेबरहुड दे विच फंक्शन है एच। स्टेटमेंट की है सीक्वेंस प्रिंसीपल दी या सैंडविच प्रिंसीपल दी कि जे लैफ्ट नेबरहुड फंक्शन है जिहड़ा एफ वह एल नू कन्वर्ज करता है, एंड सिमिलरली राइट नेबरहुड का फंक्शन एच भी एल नू कन्वर्ज करता, दैन जी फंक्शन वी एल फंक्शन सेम लिमिट फंक्शन लिमिट नू एल नू कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इहदी स्टार्टिंग दे विच आपां डेरीवेशन डिस्कस कर ली सी कि जे फंक्शन एफ इहदी लिमिटिंग वैल्यू एल है, दैन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउ एवर समॉल क्वांटिटी सच दैट एक्स ए दी नेबरहुड, एक्स की नेबरहुड पॉइंट ए है, एक्स अते ए दा डिफरेंस लैस दैन डेल्टा वन है, डेल्टा वन कोई जीरो तो वन दे बिटवीन क्वांटिटी है, तो एफ ऑफ एक्स अते एल दा डिफरेंस है जिहड़ा वह लैस दैन एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन वन कह सकते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल कितों कितने तक लाई करता, माइनस एल तो लैके एल तक, दैट मीनस एफ ऑफ एक्स कितों कितने तक लाई करता एल माइनस एप्सिलॉन तो लैके एल प्लस एप्सिलॉन तक। इन्हें इक्वेशन नंबर वन मार्क कर लें। सिमिलरली ये सारा कुछ आप एच फंक्शन के लिए भी डिफाइन कर लें, बिकॉज एच फंक्शन भी लिमिट एल नू कन्वर्ज कर रहा है जो नेबरहुड एक्स कन्व अप्रोचेस टू ए है, दैन अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट देर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव लैस दैन वन हाउ एवर समॉल क्वांटिटी सच दैट एक्स की नेबरहुड ए है, कोई होर नेबरहुड है। हुण एक्स पहला ए दी ए वल जा रहा सीगा, एक्स अते ए दा डिफरेंस डेल्टा वन सी, हुण एक्स अते ए दा डिफरेंस थोड़ा बहुत चेंज हो गया, डिफरेंस है जिहड़ा डेल्टा टू है, तो हुण एच अते एल दा जिहड़ा डिफरेंस आ उह डेल्टा तो लैस है, दैट मीनस एच ऑफ एक्स माइनस एल है जिहड़ा ये लैस दैन एप्सिलॉन है। एच माइनस एल माइनस एप्सिलॉन तो लैके प्लस दे एप्सिलॉन तक लाई करता, दैट मीनस एच ऑफ एक्स जो फंक्शन है एल माइनस एप्सिलॉन तो लैके एल प्लस एप्सिलॉन तक लाई करता है, जदों के एक्स माइनस ए का डिफरेंस है जो जीरो तो लैके डेल्टा टू के बिटवीन है। इन्हें इक्वेशन नंबर टू मार्क कर लिया। उस तो बाद अपने चूज कर लिया मिनीम डेल्टा वन और डेल्टा टू के मिनीम क्वांटिटी की है, डेल्टा टेक कर ली, इन दोनों तो मिनिमम वैल्यू कि देख ली डेल्टा वन, डेल्टा सॉरी हूँ जी इक्वेशन नंबर वन से इक्वेशन नंबर थ्री बन गई कि एफ ऑफ एक्स है जोड़ा एल माइनस एप्सिलॉन तो लैके एल प्लस एप्सिलॉन तक है, इतने एक्स अते ए का डिफरेंस है जोड़ा वो डेल्टा तो लैस है, एंड सिमिलरली इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर फोर बन गई कि एच ऑफ एक्स का जोड़ा एच ऑफ एक्स की जी वैल्यू आ एल माइनस एप्सिलॉन तो लैके एल प्लस एप्सिलॉन तक लाई कर दी है, इतने भी एक्स अते ए का डिफरेंस है जोड़ा वो जीरो तो वध है बट डेल्टा तो लैस है। ये इक्वेशन नंबर फोर है। हुण अपने को मेन कंडीशन गिवन की दिती हुई सी कि एफ जी ऑफ एक्स लाई करता एच अते एफ एच दे एफ ऑफ एक्स अते एच दे बिटवीन फॉर ऑल एक्स इन सम डिलीटड नेबरहुड ऑफ ए। सो इतें जिहड़ियां इक्वेशन ने अपने को इन्हां इक्वेशन तो देखो की बन रहा, एल माइनस एप्सिलॉन की तो लैस है एफ ऑफ एक्स तो, एफ ऑफ एक्स की तो लैस है जी तो, सो एल माइनस एप्सिलॉन लैस है एफ ऑफ एक्स तो, एफ ऑफ एक्स की तो लैस है जी तो, जी अग्यों की तो लैस सीगा एच तो, जी अग्यों की तो लैस आ गया एच तो, दैन एच की तो लैस दैन सीगा एल प्लस एप्सिलॉन तो, सो एच की तो लैस दैन आ गया एल प्लस एप्सिलॉन तक, दैट मीनस तुहाडे कोले की आ गया आ जिहड़ा जी फंक्शन है ये बिल्कुल ही लैस दैन की तो है एल माइनस एप्सिलॉन तो, एंड की तो लैस दैन है एल प्लस एप्सिलॉन तक, दैट मीनस जी की तो लैस है एल माइनस एप्सिलॉन तो लैके एल प्लस एप्सिलॉन तक। ये तो आप भी रिजल्ट बना सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन तो लैके जी ऑफ एक्स माइनस एल है जिहड़ा वो कितने तक लाई करता प्लस दे एप्सिलॉन तक,
दैट मीनस जी ऑफ एक्स माइनस एल है जिहड़ा ये की तो लैस है मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एल की तो लैस देना अपसाइलन तो दैट मीनस जी ऑफ एक्स अते एल दे विचकार डिफरेंस निगलिजिबल है ही नहीं लैस दैन अपसाइलन है कदों जदों एक्स अते ए दा डिफरेंस है जिहड़ा वह लैस दैन डेल्टा आ एक्स ए दी ने ए एक्स की नेबरहुड का पॉइंट है यही तो मीनिंग बन गई डेफिनेशन लिमिट की कि जी किनू कन्वर्ज करता एल नू जदों जदों एक्स ए दी नेड़े एक्स ए दे नेड़े जांदा वैन एक्स अप्रोचस टू ए जी कन्वर्जस टू एल यही तो रिजल्ट बन गया अपने कोल हैंस का रिजल्ट कि जी भी किनू कन्वर्ज करता एल नू जदों जी दी लैफ्ट नेबरहुड एल नू कन्वर्ज करती है अते जी दी राइट नेबरहुड का फंक्शन एल नू कन्वर्ज करता तो जी भी एल नू कन्वर्ज करता जिस तरह का बिहेवियर आले दुआले दे फंक्शनस दा आ सेम उदा का बिहेवियर मिडल वाले फंक्शन का आ इनू सीक्विज प्रिंसीपल या सैंडविच प्रिंसीपल सैंडविच थ्योरम कहा जाता ठीक है शॉर्ट आंसर दे विच इहदी स्टेटमेंट या प्रूफ आ सकता इहदे नाल दे आपां क्वेश्चनस भी डिस्कस करते हैं तो समझ लग गया कुछ या नहीं नहीं लग गया समझ लग गया या नहीं हाँ ना दे कोई जवाब नहीं आ रहा समझ लग गया ट्राई करो इन चीज़ों जिहड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज आ थोड़ी थोड़ी इनक्रीज हो रही है हुण पहला नालों प्लस टू दे विच की सीगा ज़्यादातर थ्यूरी का वर्क सीगा तुहानू सॉरी थ्यूरी का नहीं सी न्यूमेरिकल पोर्शन का वर्क सीगा ज़्यादातर तुहानू मेन मेन समझे सॉल्व करने सिखा देंदे सी उहदे नाल दी 30-40 सम की एक्सरसाइज होंदी सी लगे रहिंदे सी आपां करने उहदे नाल न्यूमेरिकल ज़्यादा सी थ्यूरी घट सी इत्थे थ्यूरी भी है न्यूमेरिकल भी ने सो आदत पाओ पहला थ्यूरी करन दी बाद दे विच न्यूमेरिकल करन दी ज़्यादातर टीचर्स की ने प्लस टू तो बाद आए हुए बच्चों पहला न्यूमेरिकल ही करवाना शुरू कर देंगे कि बाद दे विच थ्यूरी पेंडिंग रख लेंगे कि जो न्यूमेरिकल करन दे विच परफेक्ट हो गए उहदे नाल दे मिलदी जुलदी थ्यूरी बाद दे विच करवा देंगे ये रोंग वे हुंदा मेरे अकॉर्डिंग रोंग वे आ हो सकता मैं रोंग होवां पर जे गेम खेडण तो पहला आपां नूं गेम दे रूल क्लीयर होणगे फिर अपनी गेम बहुत वधिया तरीके नाल खेडी जाएगी ज़्यादा थ्योरी नहीं मैं हले करवाउंदा अज तुहानू न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाना आ कितने सारा टाइम थ्योरी ते लग जे तुहानू होमवर्क दे विच करन नू क्वेश्चन ही ना मिलन और एक हफ्ते दे विच एक दिन आपां ट्यूटोरियल दा लगाया करांगे भावें इस लैक्चर तो इलावा कोई लैक्चर रख लो छुट्टी तो बाद ठीक है 3 बजे 2:30 बजे का टाइम रख लो उहदे विच आपां तुहाडियां प्रॉब्लम्स अते क्वेरीज क्लीयर करिया करांगे पूरे वीक दियां ठीक है मान लो अज मंडे आ सैटरडे वाले दिन या फ्राइडे वाले दिन एक लैक्चर ट्यूटोरियल दा लगावांगे अब जिहड़े आ वी पूरे वीक दे विच तुहाडियां कोई प्रॉब्लम्स ने कोई कन्फ्यूजन ने कोई सम नहीं सॉल्व हो रहा कोई आंसर नहीं मैच कर रहा अपना टिक करके रखी चलो उस दिन आपां क्लीयर करांगे पर आपस दे विच मिल के ना ग्रुप बना के वह प्रॉब्लम्स देख लैने आ कि मेरी भी उही प्रॉब्लम आ कि उहदी तां नहीं सेम ही ना होण कितने उही क्वेश्चन 10 जणिआं दा होवे दसो बार बार पुछण ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਲਗਾ ਲਿਓ ਕਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਐਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜਨਰਲ ਕੁਐਰੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਣੀ 2-3 ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਈ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ 17ਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ 0 ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਫ ਕੀ ਹੈ 0 ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲਜਬਰਾ ਆਫ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲਜਬਰਾ ਆਫ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਮ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਫ ਇੰਟੂ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਮ ਇੰਟੂ ਐਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ 0 ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਾ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਉਂਡਡ ਦੇਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
जी मान लो इनफिनिटी भी कन्वर्ज करता हो सकता, जी बाउंडड फंक्शन है पहली गलता, अनबाउंडड नहीं है, बाउंडड है, एक किसी ना किसी वैल्यू कन्वर्ज करूंगा, मान लो एल कन्वर्ज करता, किसी भी वैल्यू कन्वर्ज करता हो सकता, ठीक है। पर जदों दोनों की प्रोडक्ट करांगे इत्थे आ प्रूफ करन दी लोड़ नहीं, उही प्रूफ लगा दो उस दिन वाला, अलजबरा ऑफ लिमिट दे विच कीता सी ना कि एफ एल नू कन्वर्ज करदा, जी के नू कन्वर्ज करदा, तां दोनों की प्रोडक्ट किनू कन्वर्ज करेगी, दोनों दीआं लिमिटिंग वैल्यूज की प्रोडक्ट नू। सो जदों इन्हां दोनों की प्रोडक्ट दे सॉरी दोनों की प्रोडक्ट दे विच की आ जाएगा जीरो इंटू समथिंग, ए किनू कन्वर्ज करता, मन लो एल नू कन्वर्ज करता, तो राइट हैंड साइड से की आजगा जीरो इंटू एल, तो जीरो इंटू एल की आऊगा जीरो आजगा, बस यदा प्रूफ हो ही गया। समझ लग रहा मैं किहड़े आर्टिकल की गल कर रहा, पहला तो उन्होंने नुमेरिकल करवा दिए, आ दो आर्टिकल पेंडिंग ने बाद करांगे। टैन एक्स ओवर एक्स वन कन्वर्ज करता हूं, साइन इनवर्स एक्स ओवर एक्स वन कन्वर्ज करता हूं। हाँ जी आर्टिकल आ गया, देखो एग्जाम्पल सॉरी एग्जाम्पल नंबर वन की स्टेटमेंट देखो आप अपनी बुक्स से, बुक्स कि नहीं है मिलिया नहीं या लिया नहीं, हले मिली नहीं, मिली नहीं। देखो की कहा गया, ये ग्रुप च पाता सी मैं चैप्टर, अज पा दिना याद, एक्स अप्रोचस टू पाई बाय फोर, वन माइनस टैन एक्स है, एक्स माइनस पाई बाय फोर है, इन्होंने इतने कुछ ना कुछ रूल लगाया हुआ, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के देखिए, लिमिट भरते हैं पहला तो वन माइनस टैन पाई बाय फोर, नीचे किया गया पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर, वन माइनस टैन पाई बाय फोर वन हों, नीचे किया गया जीरो, जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई, ये ते एल हॉस्पिटल रूल लगाता, उपर न्यूमरेटर च न्यूमरेटर का ही डेरीवेटिव कर दो, टैन एक्स का की हों, हाँ जी सीकेंड स्केयर एक्स, टैन एक्स का डेरीवेटिव की हों, कला सीकेंड स्केयर, टैन एक्स का डेरीवेटिव सीकेंड स्केयर एक्स होर, बस सीकेंड स्केयर एक्स, नीचे की आजगा वन, हूँ ये लिमिट भरी है कॉस पं कॉस 45 ते किन्ना होंदा, हाँ जी वन पॉन अंडरू टू, सीकेंड ते उहदा रेसीप्रोकल होके अंडरू टू रह गया, अंडरू टू का स्केयर करांगे टू, इहदा मतलब माइनस टू आजू है ना, शायद माइनस टू आ जाऊगा, इहदा आंसर देखिए माइनस टू, एल हॉस्पिटल रूल ना दो मिनट च सम सॉल्व हो गया, दो लाइना दे विच, ए प्रूफ भी देख लो इन्होंने की कहा कि लैट कर लो लिमिट जिन्हों कन्वर्ज कर दी है, जे एक्स ए नू कन्वर्ज करता हो आप की पुट कर लें हों, लैट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, जे लिमिट होवे एक्स अप्रोचस टू ए
ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਪਲੱਸ h, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 45, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 45 ਪਲੱਸ h, ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਐਜ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 45, ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 45, 1 ਮਾਈਨਸ tan x ਸੀਗਾ, x ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਏ 4 ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਲਿਮਿਟ x h ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ x ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 45 ਪਲੱਸ h, 45 ਪਲੱਸ h, ਆ 45 ਨਾਲ 45 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ h, ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ tan 45 ਪਲੱਸ h ਦਾ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 1 ਮਾਈਨਸ tan 45, 1 ਮਾਈਨਸ tan h ਓਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ tan h ਓਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ tan h, ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈ ਲਓ 1 ਮਾਈਨਸ tan h, ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ tan h, ਆ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ tan h ਆ ਜਾਊਗਾ, 1 ਨਾਲ 1 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ h ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ tan h, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਪਰ 1 ਨਾਲ 1 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 2 tan h, ਨੀਚੇ h ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ tan h ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ h ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 2 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, tan h ਓਵਰ h ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਦਊਗਾ ਇਹ 1 ਦਊਗਾ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ tan h, ਆਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ 1 tan h ਓਵਰ h ਨੇ 1, ਆਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ tan h, tan h ਦੇ ਵਿੱਚ h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ tan 0 0, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ 0, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਓਵਰ 1 1, ਆਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਆਂਸਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਲਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਰੂਲ ਨਾਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਘੱਟਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੇ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਫ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਸਰ ਇਹੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਰੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਸਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ 3 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਮੈਂ 53 ਨੰਬਰ ਲਾ ਲਏ ਲਿਆ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 53 ਨੰਬਰ ਲਾ ਲਏ 80ਆਂ 'ਚੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ ਵੀ 80 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 53 ਨੰਬਰ ਲਾ ਲਏ, ਜਾਂ 50 ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 55-58 ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, 50 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ 50 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਸਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ 2-2 ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2-2 ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਐਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਰੂਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਸਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਕੋਈ, ਐਗਜ਼ਾਂਪਲ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਕਰੋ, ਐਗਜ਼ਾਂਪਲ ਨੰਬਰ 4, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ ਸਾਰੀ, ਐਗਜ਼ਾਂਪਲ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਰੀ, 4 ਸਾਰੀ, 6th ਐਗਜ਼ਾਂਪਲ,
सिक्स्थ सेवन्थ नाइन्थ टिक्का रिजल्ट याद करो, ये बिना प्रूफ ये तो हाँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस एक्स रेज्ड पावर वन प्लस एक्स वन ओवर एक्स इधर आंसर की होता ई होता एक रिजल्ट जो है राजे किसी भी स्टेटमेंट नू आपां लिख सकते हैं इहदी पावर च लॉग ऑफ दैट थिंग इहदी भी काफ़ी लोड पैंदी है किसी भी स्टेटमेंट नू जे आपां एक्सपोनेंशियल च लैके जाने हैं ई एक्सपोनेंशियल ई दी पावर दे विच लॉग ते दैट एंग मैंबर इहदी लॉग दी डोमेन च आ जाता आ देखो यही रिजल्ट जिहड़ा लास्ट ते मैं लिखवाया किस तरह नाल सॉल्व होया आपां ने आ चीज़ सॉल्व करनी है आप ए की पावर एक्स में लैके जाने ई की पावर के लॉग लॉग की डोमेन च आ गया उस तो बाद नैक्सट टाइम आ जोड़ा एक्स है ये लॉग दे अगे आके प्रोडक्ट च हो गया नैक्सट लॉग ए नाल उपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया लॉग ए अते लॉग ए आ सारी वैल्यू बन दिंदी है इहदा आंसर वन है ठीक है ते पिछे की बच गया जस्ट लॉग ए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं आ रिजल्ट है ये कि ई की पावर च समथिंग माइनस वन हो नीचे भी दैट समथिंग हो इधर रिजल्ट वन बचता है मैं तीन चार रिजल्ट साइड के लिखे ने इन्हों की लोड़ पेगी अपन एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल नंबर वन देखो तो सब तो पहले तो यदि पावर नूं आपां ब्रेक कर लैंदे हां टू एक्स ओवर एक्स करांगे तां टू बचूगा कला नाल की कर लिया थ्री ओवर एक्स हुण इहदी पावर नूं ब्रेक कर लैंदे हां वन प्लस एक्स की पावर टू आके की आ जूगा टू नाल कितना आ गया वन प्लस एक्स की पावर दे विच थ्री ओवर एक्स अलग अलग लिमिट लगा दिंदे हां लिमिट पहले फंक्शन ते भी लिमिट दूसरे फंक्शन ते भी
पहले फंक्शन ते किया गया लिमिट 1 प्लस एक्स की पावर 2 फिलहाल ऐदा ही नाल की लगाता लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो दिस थिंग आ जी 3 ओवर एक्स पावर है इनू 3 नू बाहर लिख लैंदे आ 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स बाहर लिख लैंदे आ ए आ रूल बन जूगा 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स ये की दे रहा सीगा ई इहदी जगह ते की आ जाएगा ई ई की बाहर पावर किन्नी पई आ 3 तय की आ गया ई क्यूब ये डायरैक्ट लिमिट भरी जाऊगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो इतने जीरो भरा 1 प्लस जीरो की आ गया 1 1 की पावर 2 करा ये जगह पर की आऊगा 1 1 इंटू ए जगह पर की बचिया ई क्यूब सो आंसर कितना आ गया ई क्यूब बस ठीक है ये तो एल हॉस्पिटल रूल लगता से ये उपर एल हॉस्पिटल रूल लग सकता से नहीं लगता देखो तो लगा के होमवर्क च ट्राई कर लियो टिक करो क्वेश्चंस जल्दी टिक करो एग्जाम्पल 3 छोटी जी एक्सरसाइज है 3 किसामी ने एग्जाम्पल 1 सारी बस एक एग्जाम्पल है कल आप इनफाइनाइट लिमिट सारा टॉपिक करांगे आ फॉर्मूले नोट कर लो भी कल तुम होमवर्क की लोड़ पो इन्हों की बंद कर दो भी।